ये तस्वीरें इस दावे से वायरल है कि गुजरात में आरएसएस समर्थक केतन दवे की गाड़ी से 2000 रुपए के नकली नोटों के ढेर बरामद किए गए हैं। इंडिया टीवी के प्रसारण को भी इस समान संदेश के साथ चलाया गया है। रात 2 बजे जब इन नोटों की गिनती पूरी हुई तब पता चला ये 4.5 करोड़ के नोट हैं, वो भी सारे के सारे नकली। हालांकि ये ध्यान देने लायक है कि चैनल ने दवे को आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं बताया है। ये तस्वीरें अभी हाल ही में एनसीआरबी के नवीनतम डाटा की पृष्ठभूमि में साझा की जा रही है, जिसमें बताया गया है कि 2017 से 2018 के बीच में जब्त किए गए नकली नोटों में से 56% नोट 2000 रुपए के निकले हैं। तो आखिर क्या है इस दावे की सच्चाई? यह तस्वीर तेलंगाना के खम्मम में हुई नवंबर 2019 की एक घटना से संबंधित है। पुलिस ने एक परिवार के 4 सदस्यों और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था और साथ में 2000 रुपए के नकली नोटों के 350 बंडल भी बरामद किए थे। मुख्य आरोपी की पहचान शेख मदार के रूप में की गई थी। अभी साझा किया जा रहा इंडिया टीवी का प्रसारण दरअसल मार्च 2017 में राजकोट में हुई एक घटना का है। एक राजकोट आधारित वित्त पोषक केतन दवे के पास से नकली नोट बरामद किए गए थे। इंडिया टुडे ने अपने प्रसारण में दवे को आरएसएस समर्थक नहीं बताया था। इस तरह ऑनलाइन माध्यम में साझा किया जा रहा दावा गलत है। धन्यवाद।